चार्ज रुक नहीं गई, आहिस्ता आहिस्ता उसके ऊपर 25 लग गई। लेकिन ये काम कि आवाम और उलमा के दरमियान दूरी पैदा की जाए, इसके लिए मुख्तलिफ हरबे इस्तेमाल किए जा रहे थे और आज भी किए जा रहे हैं। और बदकिस्मती की बात यह है कि बाज दीनी हलकों से ये आवाज उठाई जा रही है, कोशिश की जा रही है कि अहले इल्म और उलमा और मदारिस को बदनाम किया जाए, इसे आवाज को काट दिया जाए। इसलिए मेरे भाइयों, आपकी, आपके नस्लों की, आइंदा आने वाले तमाम इंसानों, तमाम मुसलमान बच्चों की दीनी और तहजीबी हिफाजत का सिर्फ और सिर्फ एक रास्ता है कि मदारिस दीनिया से उलमाए हक से अपने आप को जोड़ कर रखे। अगर असल से कटेंगे तो फिर उसके बाद जमानत का कोई रास्ता नहीं। मैंने ये चंद मुंतशिर बातें आपके सामने आज की है और इसके जरिए से मैंने अपने पेश रवों की बात की तायीद की है। आज तो फितने शकीलियत यहां फैला हुआ है, जिन लोगों ने घुस कर उनके तरीके कार का जायजा लिया है, तो यही बात सामने आई है कि उसके जो मुबल्लिग स्टूडेंट कॉलेज और स्कूल के तलबा से मिलते हैं, उनके सामने अपनी बात रखते हैं, तो उसके साथ उनको सख्ती के साथ ये समझाते हैं तो मौलवियों के पास मत जाना, उलमाए किराम से मत मिलना। अव्वल तो ये इब्तदा से ही दीनी तालीम से महरूम, इनकी तालीमी तालीम स्कूल की, या वो हजरात कि जो दीनी जमात से, तबलीगी जमात से वाबस्ता है, आवाम में से अल्लाह ने उनको हिदायत दी, उनका मिजाज बदला, उन्होंने वक्त लगाया और किसी आलिम से नहीं सीखा दीन को, किसी मदरसे में बाकायदा उन्होंने दीन की तालीम हासिल नहीं की, वो अकायद से वाकिफ नहीं है, लेकिन दीन का जज्बा है, उनके अंदर घुसकर काम करना शुरू किया। न इनका ताल्लुक उलमा से, न उनका ताल्लुक उलमा से, और बहुत आसानी के साथ उनको अपना नुक्ता बना लिया। आपको नहीं मिलेंगे मिसाल की किसी मदरसे का कोई काजी, कोई आलिम सब शकीली फितने का शिकार हुआ हो, उलमा की सोहबत में बैठने वाला किस को इस फितने का शिकार हुआ हो, जब उसके कान में दीन की बात पड़ती है और ये जानता है कि अगर कोई नई बात आएगी हम अपने इमाम साहब से पूछेंगे, अपने उस्ताद से पूछेंगे, अपने मौलवी साहब से पूछेंगे, और यही वो चीज है कि उसके ईमान की हिफाजत करें। मेरे भाई के बुजुर्गो, इस साजिश से अपने आप को और अपने आने वाले नस्लों को बचाइए, और खास तौर से कि औरंगाबाद का इलाका कि जिसको इस फितने ने अपने मरकज के तौर पर चुना है, यहाँ के लोग बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। अल्लाह ताला हम सब के ईमान की, आमाल की, अखलाक की हिफाजत फरमाए। और आज कल से चलने वाला ये इजलास जो राबते मदारिस से